जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और मैं आपका स्वागत करता हूं किसान पाठशाला में। हम हैं अभी मुरादाबाद और बिजनौर का एक बॉर्डर एरिया है, हल्दुआ मडैयो करके गांव है। यहां पे एक पूर्व सैनिक है हमारे साथ और उन्होंने थोड़ा सा इस साल ट्रायल किया है केला लगा के, और वो ये देखना चाह रहे थे कि क्या यहाँ पर केला पॉसिबल है। एक्चुअली पॉसिबल है, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद नहीं है, क्योंकि हमारे लिए नहीं है ये फसलें। और बहुत अच्छा लगा मुझे उनके खेत में आके, और सैनिक का खेत जैसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा, जैसा हमारे यहाँ सिखाया जाता है मेंटेन, उसी तरीके से उन्होंने किया हुआ है। अभी मैं आपकी बात कराता हूँ और आगे चर्चा उन्हीं के साथ करेंगे। सर प्लीज़ आइए और आपका परिचय दीजिए, हम कहाँ हैं। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के गाँव हल्दुआ माफी में। आपका नाम? अशोक कुमार, मैं ITBP से रिटायरमेंट हूँ। बहुत बढ़िया। ये सर आप, हमने कितने बाई कितने पे लगाया हुआ है? ये है 5x6 पे। 6 पे कितना प्लांटेशन इसका वो है, मतलब क्या डेट क्या है प्लांटेशन की लगाने की? हाँ, तारीख इसकी जो है July 23 के आसपास है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, 23 जुलाई। और मेरे ख्याल से 6x6 है, जिग-जैग नहीं कर पाए। जिग-जैग नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? मैंने बताया नहीं था या कुछ गड़बड़ हुई? नहीं, बताया भी था, बस उस टाइम पर ध्यान तो नहीं आई बात ऐसी। थोड़ा सा पारंपरिक होता है कि नहीं यार, आसपास के लोग 6x6 पे लगा रहे, मैं भी लगाऊंगा। हाँ चलो, और इसका अभी अब आपके कुछ सवाल हैं, अगर कुछ हैं तो आप बताइए। हाँ, सवाल तो बस यही है। आप और रिलैक्स हो जाओ, वो होता रहेगा। नहीं नहीं, सवाल तो बस यही है इसमें कि जैसे रोग आवे है, किससे संपर्क किया जाए? मिस से। हाँ, ये तो संपर्क मेरा नंबर था, आपके पास नहीं था? नंबर है, मैंने कभी फोन उठाने के मना किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। कभी जवाब देने के लिए मना किया? बिल्कुल नहीं किया। आपको मेरे से पूछना है, मेरे से हमेशा ही मेरे से? नहीं तो आपसे पूछ लेते हैं, कभी कभी जाहिद भाई से पूछ लेते हैं हम। बिल्कुल। बाकी और ऐसी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तो फिलहाल। हाँ, सही चल रहा है हिसाब से। ये छोटा और बड़ा है? हाँ ठीक है। अब इसको बड़ा करना है हमने। हाँ, इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ बताऊँ या घर पे लिखवा दूँ? लिखवा दो तो बेल्ट ने मेरी तो याद ना रखती, मैं चोरी की। सही बात है, मैं आपको लिखवा दूंगा। ये और ये बड़े हो जाएंगे और अब हम इनमें देंगे रेसिड्यू फ्री खाद। रेसिड्यू फ्री खाद का मतलब है घबराना नहीं, जो आप डायरेक्ट खाद दे रहे हो उसको बस गोबर में मिला के 8 दिन रखना है। गोबर नहीं है घर में तो कोई बात नहीं, मिट्टी खुरचना, इसी मिट्टी में मिला के यहीं दबा दो खेत में 8 दिन, और वो उसी को डालना है। गोबर तो बहुत है, बस 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 उसी में देंगे, गोबर की कोई दिक्कत नहीं है। अगले 1 महीने में आप इस प्लॉट को पहचान नहीं पाओगे, जहाँ तक मेरा अपना भरोसा है मुझे खुद पे, और एकदम से ज़बरदस्त रिजल्ट देखने के लिए आएगा। अब वो आपके पास में जो भैया का लगा है वो भी बोलेंगे और तूने क्या किया है, कौन सी दवाई डाली, और कोई दवाई नहीं है जो आपके घर में खाते? वो तो देख का अभी कहते हैं इसे कि पता नहीं क्या लगा रहे। वही डलवाऊंगा मैं, बोला भैया बुलेट 350 है, अभी तक इसकी केयर नहीं, सर्विस नहीं हो रही थी, मैकेनिक अब आया है इसका सर्विस करने वाला। चलो बढ़िया है। और आप इसमें भी मिट्टी नहीं लगाएंगे सर, जैसे आपने नीचे लगाया? अब नहीं चढ़ाएंगे मिट्टी। और इसमें चाहिए मल्चिंग? मल्चिंग क्या काम करेगी मैं बताता हूँ आपको। जो ज़्यादातर मित्र बैक्टीरिया हैं हमारे, वो अंधेरे में काम करते हैं, उनको अंधकार अच्छा लगता है, अंधेरा। जैसे धूप आई वो नीचे भाग जाएंगे। अब अंधेरा होने के बाद वो दिन में भी काम करेंगे, रात को भी, मतलब ये पौधा दिन में भी खाना खाएगा, जड़ों को देंगे और रात को भी देंगे, तो ये डबल स्पीड से काम करेगा। अगर आप इसमें नाली पाली करा देते हैं, नाली पाली कैसे होती है कि एक छोटा सा हल्का सा बेड बनता है, एक में हम पानी देंगे, एक में नहीं देंगे, एक में देंगे एक में नहीं देंगे, तो इसमें आधे में तो पानी लगेगा और आधा सूखा, तो इधर से तो मिली हवा, इधर से मिला पानी, ऊपर से धूप, तो पौधा जिस दिन खाद दोगे उसी दिन उठा लेगा। वरना ये इस कंडीशन में कम से कम 5 दिन लेगा ये खाद उठाने में। 5 दिन तक ना ऊपर आएगा ना नीचे जाएगा, सोया रहेगा कि पहले भैया पानी ख़त्म हो जाए फिर मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूँगा। इसलिए हम ODI1 पानी करवाते हैं, हर चीज का लॉजिक है हमारा। वो काम तो इसमें आज कल कोई कर देंगे, जैसे सूख जाएगा वो कर देंगे, नाली खुदवा देंगे इसकी। नाली नहीं, इसका जितना बड़ा ये है इतना ही बड़ा है, बस ऐसे करके हम तो पूरा बेड बना देंगे, कोई इससे ऊपर नहीं, इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए, बस ये लास्ट है। हाँ लास्ट, ये हाइट बिल्कुल सही है। तो आपने क्या करना है, एक में पानी, ये तो आपके लिए फायदा है, एक में पानी दिया एक छोड़ दिया, एक में पानी दिया एक छोड़ दिया, एक में पानी दिया एक छोड़ दिया, ऐसे करना है। हमने तो कर देंगे, ये तो घर का चला हुआ काम है। तो उसके बाद इसके ऊपर बैठ के ऊपर मल्चिंग, हाँ वो कर देंगे, फिर आप देखो कमाल, आप खुद बोलोगे यार ये गजब। नहीं वो मल्चिंग तो अब काम स्टार्ट, आपका काम आधा हो जाएगा, लेकिन उत्पादन नहीं, वो तो काम अभी स्टार्ट हो गया करने का, छिलने का, पत्ती। अभी इसकी जड़ें जो हैं ये सब तरफ से कॉम्पैक्ट है, देखो यहाँ पे भी पानी है, यहाँ भी पानी है। अब ये जब तक पानी भाप बन के नहीं उड़ने लगेगा, मतलब मिट्टी आपकी भुरभुरी नहीं हो जाएगी, तब तक ये पौधा खाद नहीं उठाएगा, अपटेक नहीं करेगा। मैं आपके घर गया, आपने मुझे 4-5 गिलास पानी पिला दिया, दबा के, मेरी मर्जी नहीं थी, फिर आप बोलो खाना खा लो, मैं खाना खाऊंगा, मैं कहूंगा आराम कर लो थोड़ी देर उसके बाद खाऊंगा, तो अभी ये आराम कर रहा है। ये जो आ रहा है, अब आप बोलोगे यार पानी देके ये कहाँ से आ रहा है, तो ये जो इसके अंदर स्टोरेज है अपना खुद का, बाहर से नहीं उठा रहा है, अपने स्टोरेज को कर रहा है। अगर आप ज्यादा करोगे तो ये इसको खाना शुरू कर देगा अपने पत्तों को, ये देखो
ये अपने पत्तों का खाना शुरू कर देगा अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करिए अपने, अगर नीचे से इसको अपटेक नहीं हुआ तो खुद के पत्तों को खाएगा फिर। ये पत्तों का मकसद ही इसका ये है, सारा स्टोरेज जो चीज़ हम इसको दे रहे हैं वो सब इन पत्तों में स्टोरेज हो रहा है। दूसरा मिट्टी का स्प्रे करवाओ आप, मिट्टी का स्प्रे, मिट्टी लाया पानी से, वो तो फ्री की चीज़ है, 4-5 दिन पहले ही कराओ उसका स्प्रे, वो तो फ्री की चीज़ है और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। आप 2 स्प्रे करो फिर देखो इसका कमाल मिट्टी के स्प्रे का। इससे पानी से पहले उसी का स्प्रे करा, जो खाद डाल के पानी दिया बस इसे, मिट्टी लाया था मैं खड्डे में से खोद के, इनके बारे में लाया था जी जी। अभी हम 3 काम करेंगे, एक हल्के से नाली पाली बनाएंगे, ये लास्ट समय है, इसके बाद छेड़छाड़ नहीं करनी वरना पाला मार देगा। अभी बना देंगे नाली, हाँ, इसकी। नाली पाली बनानी है, उसके ऊपर से मल्चिंग करनी है, मल्चिंग करना है। उसके साथ में हमने करना है VM स्प्रे परमानेंट रखना है, ये पाले से भी बचाएगा आपको। उसके साथ में हमने जो है रेसिड्यू फ्री खाद पे आना है, बस 3-4 चीज़ें। क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए अभी तो इस समय पे क्या है, चारों तरफ से ईक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास 1.5 महीना है, अगर आप मेरे साथ चले तो मैं 1.5 महीने में इसको आपके बराबर कर दूंगा। नहीं तो आपके साथ तो चल ही रहे हैं। नहीं चल रहा है अभी, मेरे पिछले 3 महीने से आप मेरे से कनेक्टेड नहीं हो पौधा लगाने के बाद। भैया से पूछो कौन है वो जो मुझे फोन करते हैं। हाँ भाई हीरो, मेरे से कितनी बार बात हुई, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया घर डालूं, अब तो नहीं, क्यों नहीं करी, मैंने मना किया नहीं, तो फिर क्यों नहीं करी। तो इससे पूछो, जाहिर से इससे तो पूछ के डाल ले। तुम्हारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर इतने काबिल लोग होते ना जो केले के मास्टर होते, तो मेरे जैसे को टी शर्ट पहन के पागल होकर घूमना नहीं पड़ता खेत खेत, समझ गए। यहाँ लोगों को पता नहीं है करना क्या है, बस वो तुम्हें बताएंगे NPK डाल दो, ला के 2 मुट्ठी, कितना डालूं। अभी मेरे यहाँ पे एक किसान है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 1 एकड़ में 2 एकड़ में सॉरी 2 एकड़ मतलब 10 बीघे में 10 बीघे में 45 बोरी, खुद उन्होंने मेरे मुँह से बोला है 45 बोरी NPK डाला था पिछले साल, 27 का एवरेज लाए, वो बड़े खुश हो रहे थे। मैं बोला भाई साहब एवरेज जोड़ना, तुम इस जमीन में कर नहीं पाओगे 2-3 साल के बाद कुछ। ऐसे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे सर फिरे, नहीं तो हमारा तो मुश्किल से तो ऐसे क्या 10 किलो भी खा इसमें 250 ग्राम 300 ग्राम डाल के उत्पादन तो ले लोगे, आप ले लोगे, ये नहीं ले पाएगा। इसकी औलाद इसको बेच देंगी, क्योंकि इसमें ना बांस होगा फिर ना कुछ होगा। भैया जमीन शराब के दम पे, अभी अगर मेरे यहाँ पे एक मजदूर आदमी आया मजदूरी करने और वो अगर कमजोर होकर बीमार हो गया, मैंने उसको 1 क्वार्टर पिलाया बेटा ताकत आई, बोला हाँ जी आई चल काम कर, फिर उसने काम किया वो फिर बेहोश हो गया, फिर 1.5 क्वार्टर डाला। हम ऐसे काम करा रहे हैं जमीन से। अगर मैं उस आदमी को बोलूँ तू आराम कर, दूध पी, जूस पी, फ्रूट खा, तो वो परमानेंट ठीक होगा नहीं होगा। हम इस पद्धति पर आप लोगों को खींच के ला रहे हैं। नहीं अभी इसे पूरे केले को जो है 10 किलो DAP दिया है, ये जो भी है 10 किलो से फालतू एक वो भी, या तो भूखा मार दोगे या फिर इतना दे दोगे वो मर जाएगा। हम तो उसी कंडीशन से देंगे। एक पौधे को अभी की स्थिति में, आज की स्थिति में, ये जो महीना है, कम से कम 60 ग्राम एक महीने का यूरिया, 70-80 ग्राम DAP और 100 ग्राम पोटास, 20 ग्राम कैल्शियम, 20 ग्राम मैग्नीशियम, 10 ग्राम इफ्को की सागरिका, 10 ग्राम जिंक, 5 ग्राम फेरस सल्फेट, 300 ग्राम पोटेशियम मोमेट, 50 ग्राम फुलबेट और 5 किलो सल्फर WDG। इतनी चीज़ों में से कितनी दे रहे हो आप मुझे बताओ। इसमें हमने वो तुम्हारा सुक्रोज भी दिया है, जो सुक्रोज तो इसमें है ही नहीं। नहीं नहीं, जो सब वो पोटेशियम जो है सल्फेट बता रहे हो आप, हाँ हुमेट वो भी दे रखा, वो हमारे पास है ही है। उसके अलावा जितना मैंने चार्ट बताया, सागरी के हिसाब से कितना दिया, सागरी का हमने इसे अभी ऐसा दिया होगा 10-12 किलो, ज्यादा नहीं दिया हमने खाद। उसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट कितना दिया, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट कितना दिया, कैल्शियम नाइट्रेट भी दिया है इसे, मगर वो दिया ही 4-5 किलो के आसपास ही दिया। कैसे दिया? एक बार तो घोल बना के दिया था इसका, और उसके बाद में जो है सागरी का और ये पोटाश दी थी खाली। हम ये सब कुछ रहे हैं, आपने मुझे कभी तो आप चाय पिला रहे हैं, कभी आप मुझे दाल ला के दे रहे हो, कभी चावल दे रहे हो, कभी घी दे रहे हो, कभी अचार दे रहे हो, सिस्टम से नहीं खिला रहे बैठा के एक साथ के थाली में लगा के दे दो, बस ये है सिस्टम नहीं पता है। और इसी सिस्टम ना पता होने के कारण गलती आपकी नहीं है, हमारे यहाँ केला होता नहीं, कोई बताने वाला है भी नहीं, और बताने वाला है भी मेरे जैसे तो लोग सोचते हैं फौजी आदमी इसको क्या तमीज है, ठीक है, इसलिए मार खा जाते हैं। भाई अगर मुझे तमीज नहीं है तो तुम बताओ, सही बात है, आपकी सही। या तो तुम बताओ क्या केला कैसे होता है, मैं तुम्हारी पद्धति से करूंगा, या फिर मेरी सुन लो, और नहीं सुननी तो भैया फिर अपने सर खाओ, दोनों चीजें। तो आप इसमें मेरे हिसाब से चलो, ठीक है भाई हीरो, अभी मेरे हिसाब से चलना है, जो मैं बताऊंगा उतना करना है, रिजल्ट नहीं आया तो भाग जाना, और रिजल्ट आया तो चिपके रहना। तो आप हमें जो अभी देखिए समझ ले, मैं बेहतरीनी में गंगा, बेहतरीनी गंगा होती ना, उसमें गाय हूँ मेरी, पूंछ पकड़ लेगा पार हो जाएगा, नहीं डूब जाएगा, पहले साल पूंछ पकड़ ले, अगले साल तो मास्टर है। सही बात है, जाहिद से पूछूंगा, जाहिद खुद पहले साल वाला बताएगा। हाँ ये आदमी सही है,
भाई जाहिद पहले साल वाला है खुद, अभी वो जाहिद भी सीख रहा है। तो जाहिद भाई जिस दिन सीख जाएगा, मैं तो चाहता हूँ तुम लोग आसपास के लोगों को बताओ, मेरी आने की जरूरत ही ना पड़े यहाँ पे। तो कुल मिला के ये है कि हमें जो है जहर से हटना है, अच्छी चीज़ की तरफ आना है। और जब हम वो काम तुम्हारा एक कट्टा डीएपी का काम आधे कट्टे में करा रहे हैं, तो क्यों एक कट्टा फूंक रहे हो, एक कट्टा क्यों फूंक रहे हो? दूसरा, जमीन में फिक्स नहीं होगा। अगर कच्चे चावल खिलाओगे मुझे कितने खा लूंगा, 10-20 ग्राम एक दो चम्मच, वरना दांतों में लगेंगे। और वही पका के दे दोगे तो ज़्यादा भी खा लूंगा, पेट भर जाएगा और मेरे शरीर को भी लगेगा। तो इसे कच्चा भोजन क्यों दे रहे हो, पका के दे दो बस। और पका के कैसे देना, हम बता रहे हैं हर चीज़ आपको। बिल्कुल उंगली पकड़ के चलाना, फौजी साहब चलो उठो बैठो इधर चलो। अब उसके बाद भी अगर नहीं तो देखो ये फिर आप लोग की गलती, बाद में आप ये नहीं कह सकते लास्ट में कि यार वो हमने तो किसान पाठशाला वालों के साथ थे, हमारा तो 22 किलो कैमरे आया, वो गलती फिर आपकी है। क्योंकि उसके बाद फिर मुझे सब पता है, जैसे हमारे होते ना आपको पता है ट्रेनिंग में पकड़ लेता है उस्ताद, ऐसे फिर मुझे कपड़े उतारने आते हैं, बेटा इधर आओ तुमने क्या क्या गड़बड़ करी, मुझे सब पता है। तो फिर एक जगह हुआ ऐसा, एक बोले जी हम तो सब कुछ कर रहे हैं, उनका लड़का खड़ा था जैसे आप खड़े हो, मैंने सर उठा के हाथ रख दिया, मैं इसकी देख लेना फिर ऐसा ना हो कि इसके पितरे मिलाने पड़े, सच बोलना। बाद में पता चला 25 दिन से भाई साहब खेत में नहीं आए, झूठ क्यों बोल रहे थे फिर मेरे से, क्या जो तुम बोल रहे हो वो कर रहे हैं। अब मैंने फिर बहुत बेइज्जती करी कैमरा बंद करा के, मगर तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? हाँ जी मैं बीमार हो गया, तो बोलो ना बीमार हो गए थे, झूठ क्यों बोल रहे हो कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ? तो पौधा बता देता है, क्यों आप कहने लगो मैं 14 साल का लड़का हूँ तो मैं थोड़ी मान लूंगा, ये इसका लग सकता है, वो है इतने का, तो वो चेहरा बता रहा है खुद पौधे का। तो भौजी साहब खेत आपका बढ़िया है, बस आपको थोड़ा सा जो है अभी मेरे साथ चलोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ना जो ये काम बताया जैसा अभी सूखेगा ना, हाँ वो बिल्कुल वो नाली से बनवा दूंगा। सारे काम ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा, आप जैसे लोग अगर साथ में नहीं आएंगे या हमारी नहीं सुनेंगे तो इसमें आप लोगों का नुकसान है। ना तो ये तो अभी जैसे सूख जाएगा ना, बिल्कुल नाली बनी हुई मिलेगी आपको, इसकी नाली पाली बनाओ, बहुत ज्यादा ऊंची मत बनाना। मैं आपको ना बता दी आपने, बस इसी का लेवल इतनी मिलेगी, बस इतनी मिलेगी आपको। और इसके ऊपर मल्चिंग करा दो, मल्चिंग ऊपर खाद बना के दो, मिट्टी का स्प्रे करो, मिट्टी का स्प्रे तो आज ही वो नांद जो है। एक महीने में अगर मजा नहीं आया आपको तो जितने रुपए का तुम्हारा खर्चा होगा उसके गुणा 3 करना, उतने पैसे नगद दूंगा, वीडियो बन रही दुनिया देख रही है। सही बात, स्टाफ का मामला है। और तुम्हारे तो जिले का आदमी, मैं बाहर का भी नहीं हूँ, ये बात मैं पूरब में भी कह के आया हूँ, और उन लोगों को मजा आ रहा है, बोले भाई साहब तो थोड़ा सा इस तरह काम बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल करो। और अगर पड़ोसी सुनते हैं तो उनको ही बताना, ये भी करेंगे। हम भी अगले साल पे हमारे भाई हैं, छोटे मुझसे मैं बड़ा हूँ, हम भी सोच रहे हैं आपका इनका चलेगा तो अगले साल को हम भी बढ़ाएंगे। 100% चलेगा, कैसे ना चलेगा, नहीं चलता तो मेरी टी-शर्ट फाड़ देते लोग यहाँ। चलो ठीक है साहब, जय जवान जय किसान।